हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर टू, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक 1025 ईस्वी में कौन था जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए, भीमदेव प्रथम। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने ऑप्शन नंबर ए 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद करवाया था, साथ ही ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई 1539 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद और मछिवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था। और फिर ध्यान रखिएगा, 1531 में कलिंजर का अभियान, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किसने लड़ा था? हुमायूं ने। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को। आधुनिक भारत का अजातशत्रु कहा जाता है किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार बी एन राव थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी और यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की? 1950 कलकत्ता नहीं, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और नलिनी सेन गुप्ता जो कि तीसरी महिला थी कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता की थी। नलिनी सेन गुप्ता कलकत्ता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता की थी। तीन महिला का नाम याद रखिएगा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। लखनऊ अधिवेशन 1916 कहाँ हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, ए सी मजुमदार ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 8, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कैप्टन सॉडर्स की हत्या भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 एस राजपुताना जहाज से गए थे और किंग्सले हाउस में ठहरे थे और लौटे थे मिस्टियाना जहाज से लौटे थे, गए थे एस राजपुताना जहाज से। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यह हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। यंग इंडिया भी किनका है? तो महात्मा गांधी की पत्रिका है। हरिजन भी पत्रिका किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेंट फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? यह करता है संसद। ऑप्शन नंबर सी, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख की आवश्यकता पड़ेगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर है 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 85। और विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है अनुच्छेद 174 के तहत। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है?
अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? प्रत्यायोजित विधायन से, ऑप्शन नंबर ए। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। सरकार की स्थिरता में आश्वस्त होती है, सरकार की स्थिरता में आश्वस्त होती है, सरकार की स्थिरता में राष्ट्रपति शासन में आश्वस्त होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में। टोटल सदस्य 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी वी मावलंकर। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष, हाँ, जी वी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समयांतर होता है, दैनिक ज्वारभाटा के मध्य समयांतर होता है 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सवाना वन को। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान, ऑप्शन नंबर ए। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर डी। मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो स्वेज नहर ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? यह है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में लौटती हुई मानसून के कारण होती है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी। डाफा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, डाफा कहाँ है? तो यह मिजोरम में है। इंटांकी कहाँ है? तो यह नागालैंड में है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो हो जाएगा चाय, चाय के लिए जमाव पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक की उदार ऋण, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक संघ को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा संकुचन का कारण होता है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। नेक्स्ट है, हाल ही में घावरी कुर्मी फिल्म 53वीं फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई, यह फिल्म किस राज्य के एक समकालीन मुद्दे पर प्रकाश डालती है? हाल ही में घाबरी कुर्बी फिल्म 53वीं फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई, यह फिल्म किस राज्य के एक समकालीन मुद्दे पर प्रकाश डालती है? यह प्रकाश डालती है ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमऊ शक्ति 2022 भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमऊ शक्ति 2022 भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? क्या संपन्न हुआ है? मलेशिया। 2023 में एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2022-23 में भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हाल ही में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2022-23 में भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यह कर दिया 7%। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंपापुरी। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था?
किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? यह निर्माण करवाया था अशोक, ऑप्शन नंबर सी। और नागार्जुन पहाड़ी की गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। फल्गु जो छोटा नागपुर के फटहार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? मोहन नदी से मिलकर, ऑप्शन नंबर ए, मोहन नदी, मोहना नदी के नाम से जानते हैं जैसे। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल उत्पादन से। पीली क्रांति खाद्य तेल उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। तरंग संख्या का एसआई मात्रक है, तरंग संख्या एसआई का मात्रक है, माफ करिएगा, तरंग संख्या का एसआई मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी, प्रति मीटर। और न्यूटन प्रति मीटर किसका है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अदिश राशि के उदाहरण हैं, अदिश राशि के उदाहरण हैं तापमान, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान, आयतन, चाल, समय, दूरी, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, घनत्व, दाब, कोण, आवृत्ति, विद्युत धारा, या सभी के सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का दुगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का दुगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? पूर्व मान का एक चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मान का एक चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक सीढ़ी किसी चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सापेक्ष साम्य नहीं है तो साम्य बनाया जा सकता है? झुकाव के कोण को कम करके, ऑप्शन नंबर बी, झुकाव के कोण को कम करके। हुक का नियम लागू होगा, हुक का नियम लागू होगा, क्या हो जाएगा? इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। रडार पद्धति काम करती है, रडार पद्धति काम करती है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग पर, विद्युत चुंबकीय तरंग पर। द्विपरमाणविक गैस के लिए सीपी बटा सीवी का अनुपात बराबर होता है 1.40। एक मोल NaOH बराबर है, एक मोल NaOH बराबर है 6.023 गुने 10 के पावर 23 ग्राम NaOH। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का संबंध है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का संबंध द्रव्यमान क्षति से। नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है? दाब की इकाई कौन सी है? टार, बार, मानक वातावरणीय दाब, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, सभी। टार, बार, मानक वातावरणीय दाब, या सभी के सभी हो जाएगा, दाब की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकरण में, अवकरण में, ऑप्शन देखते हैं। अवकरण में ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीकरण की संख्या घटती है, अवकरण में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक वाला यौगिक है, निम्नलिखित में से सबसे उच्च गलनांक वाला यौगिक कौन सा है? क्या हो जाएगा? NaCl। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है? लिखने के लिए HF का प्रयोग करते हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थिया साइनेंसिस, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अस्थि की लाल मज्जा बनाती है, अस्थि की लाल मज्जा RBC। थाइमस हार्मोन का कार्य है, थाइमस हार्मोन का कार्य है लिम्फोसाइट के निर्माण में। पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है यह यकृत से, लीवर से, ऑप्शन नंबर सी। पिताशय में यह जमा रहता है, सिस्टिक नली के द्वारा पिताशय में आकर जमा रहता है।
वसा का फासीकरण में मदद करता है। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में होता है, हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट ऑप्शन नंबर बी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। चौथाई नेक्स्ट है, एक चौथाई होगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ एम बी स्क्वायर पता ही होगा। माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप समीपस्थ सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में, ऑप्शन नंबर ए। संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा है, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अज्वलनशील होती है? कौन सी गैस अज्वलनशील होती है? N2। निम्नलिखित में से कौन तीन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन तीन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चैडविक ने किस मूल कण का आविष्कार किया? चैडविक ने न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन जब तत्व कैल्शियम से क्रिया करती है तो बनेगा? एडर्सन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, युकावा ने मेसॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन व्याख्या किया था रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज 1886 में किया गया था। नाइट्रोजन जब तत्व कैल्शियम से क्रिया करती है तो बनेगा, क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्राइट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम नाइट्राइट। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सही उत्तर के साथ सुमेलित कीजिए। विटामिन बी वन रासायनिक नाम थायमीन होगा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कांतार, ऑप्शन नंबर ए। अग्रज का विलोम शब्द अनुज। अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत शब्द का समानार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर सी विगत। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है? जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, बुद्धि भ्रष्ट होना। पुष्पांजलि का संधि विच्छेद कीजिए पुष्प प्लस अंजलि। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे कौन सा त्रुटि है बताना है या नहीं है वो भी बताइएगा। अपने अपने किताबें, ऑप्शन नंबर ए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? यह हो जाएगा घनानंद। आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा, परिणाम कौन सा होगा? बहुत सारे परिणाम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए परिणाम। हिंदी भी आप लोगों को सही ढंग से आना चाहिए लिखने, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुलिंग है? छात्रा, शिष्या, पड़ोसी, विदुषी। आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी जो है पड़ोसी पुलिंग है। 81 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सटन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 ऑप्शन नंबर डी, मैं आंसर को टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 ऑप्शन नंबर ए। 85 ऑप्शन नंबर सी। 86 ऑप्शन नंबर ए। 87 का हो जाएगा ए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच 87 में दिया गया था। 88 शेयर द करेक्ट पैसिव वॉइस, 88 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 89 ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी, मैथ से क्वेश्चन दिया गया है। 92 ऑप्शन नंबर बी, 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 ऑप्शन नंबर सी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 95 का ए होगा। 96 का डी होगा। 97 ऑप्शन नंबर ए। 98 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट ही प्रैक्टिस सेट नंबर 12 भी बनाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर बताना चाहें तो 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है वो भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।